हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इससे आप बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं या पूजा का आसन बना सकते हैं। और देखिए, इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इस तरह के पीस बना बना के जोड़ के बड़ा बना सकते हैं, या फिर इसमें ही ज़्यादा फंदे डाल के ये बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 28 फंदे मैंने ले लिए हैं और हमने यहाँ पे 4 के मल्टीपल से फंदे लिए हैं। तो फंदे आपको अपने हिसाब से डालने हैं। आप 6 के मल्टीपल से भी डाल सकते हैं, 8 के मल्टीपल से भी डाल सकते हैं, और रो भी आप अपने हिसाब से चौड़ी या पतली रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इस तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। एक रो मैंने कंप्लीट कर ली, पलट लेंगे। अब दूसरी रो इधर से हम उल्टी बनाएंगे, उधर से भी हम उल्टा बुनेंगे और इधर से भी उल्टा। ऐसे तो हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए, दूसरी रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए, इधर से इस तरह से हमने ये, इधर से हम ये रो कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। अब देखिए, इधर से हम तीसरी रो उल्टा ही बुनेंगे, इधर से भी। तो हम ये रो कंप्लीट, ये देखिए, सीधे तरफ से हम ये रो लास्ट तक उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक, दो, तीन, तीन गांच स्टिच आ गए। ये देखिए, इधर से हमने ये रो लास्ट तक बना ली। अब देखिए, यहाँ पे सीधे तरफ एक, दो, तीन, तीन रो मेरे पास हैं और उल्टे तरफ दो, तो दोनों तरफ की 5 रो हमने कंप्लीट की हैं। अब देखिए, अगर आपने ज़्यादा फंदे डाले हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा रो बना सकते हैं। और देखिए, इस फंदे को हम उतारेंगे भूल अपने तरफ। ये देखिए, दो, तीन, चार, चार फंदे हम इस कलर से बुन रहे हैं। अब हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे। अगर आप ये वाले फंदे यहाँ पे इसकी लाइन बढ़ा रहे हैं तो ये वाले फंदे भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, 18, 19 और 20। ये देखिए, मैंने 28 फंदे लिए, 4 इधर ब्लैक छोड़े, 4 इधर। और देखिए, इस बुल को आपको यहाँ से अलग से लगानी पड़ेगी। हमारे पास ये है, इसी को हमने इधर से ऐड कर लिया। ये गोले आपको दो दो बनाने हैं तब आपका ये बन पाएगा। तो यहाँ से अब जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। और देखिए, हम यहाँ पर भी 5 रो इस पिंक कलर की बना के कंप्लीट करेंगे। एक ये हो जाएगी, उसके बाद हम 4 और बनाएंगे। दोनों तरफ की 5 रो बननी चाहिए, तो 3 गांठ स्टिच हमारी इधर आ जाएंगी, फिर हम दिखाएंगे आपको आगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 5 रो इसके भी बना ली हैं, तो 3 गांठ स्टिच इधर आ गई हैं। छठवीं रो पे हम इधर भी कलर चेंज करेंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने उतारा, 4 फंदे हम यहाँ पे ब्लैक से बुनेंगे। ये देखिए, और देखिए, इसको हम ऐसे करते जाएंगे हर सिलाई में। देखिए, यहाँ से इस तरह से जॉइंट होता जाएगा। अब यहाँ से हम 4 पिंक कलर से बनेंगे। ये देखिए, 4 बनाने के बाद अब हम यहाँ पे ब्लू कलर को ऐड करेंगे। आप इसको बची वूल से भी बना सकते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमने बुने। अब हम इस साइड में देखिए दूसरा ये गोला ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको ही
ला सकते हैं, लेकिन इधर ये देखिए यहाँ से चार फंदों में हम ये वूल ऐड कर रहे हैं, तो तीन और चार। अब इसको आपको ऐसे करना है इधर को, उसके बाद इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ से ऐसे जो जॉइंट होता जाएगा उल्टे तरफ से, ये देखिए यहीं से हम पलट लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस कराना है आपको, देखिए ये देखिए इसके ऊपर से पिंक आगे चार फंदे पिंक कलर से हम बुनेंगे ऐसे। और देखिए उसके बाद हम ये देखिए ब्लू को आगे लाएंगे, बचे फंदे हम ब्लू से बुनेंगे। अब देखिए हम ब्लू की भी ये पांच रो बनाएंगे तीन गांठ स्टिच आने को। ये देखिए इस कलर की भी हमने तीन रो बना ली हैं, एक दो तीन, दोनों तरफ की पांच रो। अब देखिए हम यहाँ से इसको पलट लेंगे और इस फंदे को हम उतारेंगे और बूल अपने तरफ करेंगे। यहाँ से चार फंदे बुनेंगे ब्लैक से, और देखिए चार हम यहाँ पे पिंक कलर से बुनेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे और चार यहाँ पे ब्लू से ऐसे, ये देखिए। अब देखिए हम यहाँ पे एक कलर और ऐड करेंगे ऐसे इस तरह से, एक दो तीन चार, ये देखिए चार फंदे हमने येलो के बना लिए। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार इस तरह से, इसको हम इधर कर देंगे यहाँ से ऐसे। देखिए हमने यहाँ पे दो गोले नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए अगर आप और बड़ा बनाएंगे तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। यहाँ से जो जैसा है इसको हम वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इस कलर की भी हम तीन रो ऐसे बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने तीन रो इसकी भी बना ली। अब देखिए हम यहाँ से चार फंदे ब्लैक बनाएंगे और ब्लैक को इधर करेंगे, चार हम पिंक बुनेंगे। अब देखिए हम ये ब्लू वाले फंदे चार बनाने के बाद येलो वाले भी इस रो में ब्लू से बना लेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए तरह से ये भी बना लेंगे। अब हम येलो को यहाँ से वूल को कट कर देंगे, इसको इधर करेंगे यहाँ से ऐसे, इसको इधर यहाँ से ब्लैक से, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए ये तीन रो इसकी बनाएंगे ब्लू की, ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया। तीन रो हमने इसकी भी बना ली। अब देखिए हम यहाँ से एक फंदा उतारेंगे और देखिए दो तीन चार, चार बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब देखिए ये ब्लू वाले फंदे भी हम इस रो में पिंक कलर से कर लेंगे। ब्लू वाली बूल हमने यहाँ से कट कर दी है और इसको हम ऐसे दबाते हुए ले जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए इधर की भी बूल हमने कट कर दी क्योंकि हमें ये फंदे भी लेने हैं इस रो में। ये देखिए अब देखिए ये इस तरह से आ गया। अब हम इसके भी तीन रो बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने तीन रो इसकी पिंक कलर की बना ली। अब तीन रो लास्ट ब्लैक की बनाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया सेम उसी तरीके से हम फंदे
लेते जा रहे हैं। तो अब लास्ट में हमारे पास सारे फंदे ब्लैक के हो जाएंगे, देखिए 2, 3, 4। और इस बूल को कट करने के बाद आपको इसके साथ इस तरह से करना है ताकि ये यहाँ से फिर लूज ना पड़े। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब इसके भी हम ऐसे 3 रो बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी भी रो बना ली हैं। अब देखिए हम यहाँ से सभी फंदे बंद कर देंगे, दो का एक करते हुए। पूरी रो हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो हम बंद कर लेते हैं।